नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सकुशल होंगे। दोस्तों, मैं समय समय पर आपके लिए अनेक प्रकार की वशीकरण विधियाँ लाती रहती हूँ, जिनसे कि आप अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर कर सकें। लेकिन यदि सैकड़ों प्रयासों के बाद भी आपकी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है, तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, झिझकने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि हम दुख की घड़ी में किसी के काम ना आ सकें, तो इतने पूजा पाठ और तपस्या का कोई फ़ायदा नहीं। तो आप जब चाहें निसंकोच होकर हमें फ़ोन कर सकते हैं, आपकी बात हमसे डायरेक्ट करवाई जाएगी। आपको अपनी हर उस समस्या का समाधान मिलेगा जिसने आपके जीवन का सारा सुख चैन छीन लिया है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की उस शक्तिशाली विधि की, उस चमत्कारी टोटके की जो आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां भरने वाला है। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए एक सात्विक वशीकरण विधि ही बताऊंगी, और हर बार की तरह इस विधि के लिए भी जो जो सामग्री चाहिए वो आपके घर में बड़ी आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ आपकी अपनी रसोई की उस सामग्री की, जिसके प्रयोग से आप अपने बिगड़े काम बना सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ लहसुन की। जी हाँ, लहसुन, जिसे आयुर्वेद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। लहसुन का प्रयोग करके हम हर भोजन में, हर व्यंजन में भोजन का स्वाद बढ़ाते हैं। लहसुन को आयुर्वेद में 100 रोगों की एक दवा माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लहसुन राहु और केतु पर सीधा असर करता है, यानी कि लहसुन के उपयोग से आप राहु केतु के दोषों को ठीक कर सकते हैं। आपके जीवन में अगर कोई अवरोध आ रहा है, कोई रुकावट आ रही है, या आपका कोई भी काम होते होते रुक जाता है, तो लहसुन आपको 100% उस काम में सफलता दिलाएगा। अगर आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या है जिसे आप संभाल नहीं पा रहे हैं, तो लहसुन से आप उससे निजात पा सकते हैं। लहसुन की कुछ कलियाँ आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती हैं। ज्योतिष तौर पर देखा जाए तो राहु केतु आपके जीवन में अवरोध लाते हैं। आप कितनी भी मेहनत कर लें, पर राहु केतु आपके काम को बनने नहीं देते और आपको अपने किए हुए कार्यों का संपूर्ण फल नहीं मिल पाता। तो दोस्तों, आपकी समस्या किसी भी प्रकार की हो, चाहे प्यार की, व्यापार की, या फिर शादी ब्याह की, हर समस्या के लिए मैं लेकर आई हूँ लहसुन का एक ऐसा अद्भुत टोटका जिससे आप सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। दोस्तों, आज की विधि आपको रविवार को करनी है। इसके लिए आपको चाहिए लहसुन की 3 कलियाँ। लहसुन की 3 कलियाँ जो हैं आप ले लें, और इसके बाद लहसुन की 1 कली पर उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसे आप वश में करना चाहते हैं। अब आपको इन 3 कलियों को हाथ में लेना है और इन्हें काले धागे से बांध देना है। इस तरह का एक काला धागा आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इन कलियों को बांध सकते हैं। काले धागे से इन्हें बांध कर बीच में स्वास्तिक के निशान वाली कली हो और इसके आजू बाजू नाम वाली कलियाँ हों। आपको इन्हें बहुत मजबूती से काले धागे से बांध देना है। अब इसे हाथ में पकड़कर और 121 बार एक मंत्र का उच्चारण करना है। ओम हिम फट अनुकायवही तर्विका वशकरीत। ये मंत्र है, इसका 121 बार उच्चारण करें। इसके बाद आपको इसे किसी पीपल के पेड़ पर रखाना है। दोस्तों, विधि के पूरे होते ही आपको महसूस होगा कि आप जिसे वश में करना चाहते हैं वो आपकी तरफ आकर्षित होने लगा है, खुद आपसे बात करने लगा है। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं और गुरुजी से संपर्क करके अपनी समस्याओं के समाधान पा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नए उपाय के साथ, कुछ नई विधियों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। नमस्कार, जय माता।